प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। और जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वो है गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगर आपके पास ऐसे दौड़ा तो ये वाला सेक्शन भी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि अबोव ऑफ मास 0.1 kg इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम। देखो, अगर आपका रूम ये है, उसकी छत ये है, तो यहाँ से एक बॉब को आपने ऐसा लटकाया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि 2 मीटर लंबा ये तार है, ये वायर है, ये रस्सी है जिसमें बॉब फंसा हुआ है। अब आपसे कह रहा है द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजिशन इज 1 m/s². जो मीन पोजिशन कहलाती है वो ये है, यहाँ पर जो बॉब की स्पीड है वो 1 m/s है। आपसे बोला व्हाट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉब, बॉब की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इफ द स्ट्रिंग इज कट। अगर स्ट्रिंग को कट कर दें, इस रस्सी को अगर काट दें, तो ये बॉब किधर को जाएगा और कैसे जाएगा। ये बॉब जो है वो ऑसिलेशन कर रहा है कुछ इस तरह से। अगर आप इसको काट दोगे तो इसका जो ये जो बॉब है ये जाएगा किधर को, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। अब आपसे कह रहा है इसके दो पार्ट है। एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, आपको एक्सट्रीम पोजिशन पर काटना है एक बार, और दूसरा काटना है एट इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पर। आप एक बात बताएं, जब ये बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंचेगा कुछ इस तरह से, और सही करके बनाओ, कुछ इस तरह से, जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंचेगा तो आपको पता है एक्सट्रीम पोजिशन पर जाने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0। तो एक्सट्रीम पोजिशन पर ये बॉब अगर हुआ, उस वक्त अगर आपने रस्सी काट दी, तो इसकी स्पीड 0 होने की वजह से ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये नीचे की तरफ को गिरना शुरू कर देगा, मतलब ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो पहले वाले पार्ट का हो जाएगा डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुंच चुका, वहां पर कोई स्पीड है ही नहीं, ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी नीचे को खींच लेगी। पहला वाला पार्ट खत्म। सेकेंड वाला पार्ट, एट इट्स मीन पोजिशन, और ये जब मीन पोजीशन पर होगा तब अगर स्ट्रिंग को काट दिया जाए तब ये किधर को जाएगा। तो मीन पोजीशन है ये, और इस तरफ डायरेक्शन आ रही है इसकी वेलोसिटी की। अगर आप ऐसे हालात में इसको काट दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में ऐसे जा करके नीचे को जाना शुरू कर देगा। नीचे को क्यों जाएगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही है, लेकिन ग्रेविटी भी तो नीचे को लग रही है, तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ को ले जाएगी, मतलब एक तरह से पैराबोलिक पाथ। तो ये पैराबोलिक पाथ पर नीचे को चला जाएगा। आपको बता रहा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंकते हैं तो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक इन नेचर होती है, ये वाली है ना, पैराबोलिक पाथ कहलाता है ये। इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैरा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन एट अ पर्टिकुलर एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य का पथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ये जो आपने थ्रो किया इसकी ट्रेजेक्ट्री, तो उसका नाम भूल गया, जो भी होता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैराबोलिक पाथ पर ही होती है, ठीक है। हिंदी बोलते हैं प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो एक साइड की बात थी। आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, होप सो, कि आपके पास ये एक बॉब है बंधा हुआ रस्सी से, जब ये मेन पोजिशन पर होगा और काट दिया जाए तो ये आग को जाता हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे को चला जाएगा कुछ इस तरह से। और अगर ये मीन पोजीशन पर इसको काटोगे तो मीन पोजीशन पर कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में नीचे को आना शुरू कर देगा। तो दोनों के आपने आंसर लिख दिए, होप सो समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, एंजॉय करो पूरी प्लेलिस्ट को, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं।